20 मार्च 2024 आंवला एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। नमस्कार। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको आंवला एकादशी के दिन किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि आपने ये उपाय कर दिया तो यकीन मान के चलिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और जल्द से जल्द शादी फिक्स हो जाएगी। ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है आजकल के कुछ बच्चों के पास उपाय करने के लिए समय नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूँ। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर के मुझसे मिलते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। लगभग सबका यही प्रश्न होता है कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है। हम पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, बातें चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पा रहा है। बीच में ही ब्रेक हो जाता है, देखने वाले आ रहे हैं, देख करके चले जा रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से मिल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो हमारे लेवल के नहीं हैं, हमें पसंद नहीं है, तो हम अपनी तरफ से मना कर देते हैं, और कुछ ऐसे रिश्ते जो हमारे लेवल के हैं, हमें पसंद हैं, वो सामने से पक्का नहीं हो पा रहा है। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, तो ऐसे में माता-पिता परेशान हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों के साथ भी कुछ यही सिचुएशन बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 20 मार्च 2024 को आंवला एकादशी आ रही है, तो आपने ये उपाय इसी दिन करना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 20 मार्च 2024 आंवला एकादशी के दिन शाम के समय करना है और अपने घर में ही रहकर करना है। यदि आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो फिर आपने तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर ये उपाय करना है, और यदि आपके घर में नहीं है तो फिर आपके आसपास कोई मंदिर हो, वहां पर तुलसी माता का पौधा हो तो वहां पर आप जाकर कर सकते हो, और यदि वहां पर भी नहीं है तो फिर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठकर भी ये उपाय किया जा सकता है। करना क्या होगा, ये उपाय करने के लिए एक आंवला आपके पास होना चाहिए, आंवले का फल। ये आंवले का फल क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्रिय दर्शकों, ये है आंवला। आपके आसपास कोई भी सब्जी मंडी हो वहां से आपको ये आंवला मिल जाएगा, तो आपने चाकू की सहायता से इस आंवले को इस प्रकार से ऊपर से काट लेना है। आप देखिए, मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूं ताकि किसी भी प्रकार की गलती होने की संभावना ना रहे। किस प्रकार से काटना है आप देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें इतनी सी जगह बना लीजिए ताकि इसमें बत्ती रखी जाए। इसको दीपक के आकार का हम बना लेते हैं, आसानी से बन जाएगा जब आप प्रयास करोगे। तो इस प्रकार से इसको काटते रहिए गोल गोल चाकू को घुमाकर, और ये इसमें जगह बन जाएगी। इस प्रकार से इसको काटना है, और इस जगह पर जो हम बना रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर आपने गोल वाली बत्ती रखनी है। एक तो होती है लंबी बत्ती, एक होती है गोल बत्ती, खड़ी बत्ती। तो आपने रुई की खड़ी बत्ती बना लेनी है, और उस बत्ती को आपने एक कटोरी में घी डालकर उसको भिगो लेना है, और वो बत्ती
इस आंवले के अंदर आपने रख देनी है। देखिए इस लावले के अंदर से जब आप ये काटोगे तो एक बीज निकलेगा, तो वो बीज आपने ऐसे ही रहने देना है, इसके अंदर ही रखना है। दी देखिए इस प्रकार से ये आंवला, ये देखो दीपक के आकार का हो गया। तो यहाँ पर आपने बत्ती रखनी है, मतलब आपने घी की लंबी बत्ती नहीं लेनी, खड़ी बत्ती लेनी है, और खड़ी बत्ती आपने इसमें रख के और थोड़ा सा घी डाल देना है तो ये दीपक बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखो इसको रखोगे तो ये रखा जाएगा, इसको आसानी से जलाया जा सकता है, आसानी से इसको दीपक के रूप में यूज किया जा सकता है। ये सेफ आपने इसकी बना लेनी है। आंवले का दीपक कैसे बनाना है ये आप समझ चुके होंगे। अब इस दीपक को आपके घर में तुलसी माता का जो पौधा है वहाँ पर रख कर इसको जला दीजिए। और यदि आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो आपके आसपास कोई मंदिर जिसमें तुलसी माता का पौधा है तो वहाँ पर जाकर भी आप इस दीपक को जला सकते हो। और यदि तुलसी माता का पौधा मंदिर में भी नहीं है, आपके घर में भी नहीं है, तो फिर आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहाँ पर इसको रख कर आपने जला देना है और एक मंत्र का जाप करना है। मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप 108 बार करना है, यानी कि एक माला इस मंत्र की आपने करनी है। यदि इतना समय आपके पास नहीं है तो फिर कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप जरूर करना है। मंत्र का जाप करने के बाद जल्दी शादी होने के लिए श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। यदि आप बच्चे खुद कर रहे हैं तो अपनी शादी के लिए प्रार्थना करनी है, और यदि आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आपने प्रार्थना करनी है। आंवला एकादशी के दिन ये उपाय यदि आप कर देते हो तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने प्रदोष काल में करना है, यानी कि 7 बजे के आसपास सूर्य अस्त होता है, उस समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो सूर्य अस्त होने का जो समय होता है उसके आसपास का जो समय है उस समय आप ये उपाय कर दीजिए। ये उपाय है तो छोटा सा, बिल्कुल आसान सा है, लेकिन चमत्कारी है। चमत्कारी क्यों है, क्योंकि आंवला एकादशी के दिन ये जो प्रयोग आंवले का दीपक बना करके आप कर रहे हैं ये काफ़ी प्रभावशाली हो जाता है और जल्द से जल्द फलीभूत भी हो जाता है। तो इसलिए ये उपाय आपने आंवला एकादशी के दिन जरूर करना है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, बच्चों की शादी में देरी हो रही है उसका कारण क्या है ये मुझसे जानना चाहते हो, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन क्या रहेगा, जल्दी शादी होने के लिए कुंडली के आधार पर कौन से उपाय हमें करने चाहिए, यदि ये सारी जानकारी आप लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए बच्चों की जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हो और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको जानकारी दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में श्री विष्णु भगवान जरूर लिखना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।